सीधे बोलता हूँ, AI आ चुका है VFX में, एनिमेशन में। कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं, कुछ लोग डिनायल में। मैं भी डर गया था, तुम भी डरे हुए हो, बट अब भागने का टाइम नहीं, क्योंकि अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, अब मैं रेडी हूँ। पर आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि AI क्या करेगा, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए। लेट्स ब्रेक द हाइप, लेट्स ब्रेक दिस रियलिटी। और एक कोई लेक्चर नहीं है, ये एक आर्टिस्ट के रिबेलियन है कि AI इन VFX एक रियलिटी है या सिर्फ एक हार्डकोर ड्रामा। कुछ साल पहले तक तो हम लोग सोचते थे यार AI तो अभी बहुत दूर की बात है, तो फ्यूचर की चीज़ है। पर अब देखते देखते वो आपका शॉर्ट ट्रैक कर रहा है, वो भी बिना किसी कॉफी ब्रेक के। मोशन कैप्चर AI, फेशियल एनिमेशन AI, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग AI, पेंट और क्लीनअप वो भी AI। एनवीडिया का ओमनीवर्स हो, रनवे का ML या गूगल का AI, ये सारे के सारे टूल्स पोस्ट प्रोडक्शन में घुस चुके हैं। स्टूडियोज के लिए तो मतलब सीधा है, ज़्यादा काम, ज़्यादा स्पीड, कम पैसे, सब चंगा सी। और हम सोच रहे कि यार ये हुडनी फाइल क्यों नहीं ओपन हो रहा है। AI क्रिएटिव नहीं हो सकता, ये लाइन तो सबने कही है, बट बात यह है कि AI को क्रिएटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पैटर्न चाहिए, डेटा चाहिए और वो बस चालू हो जाता है। सब बोलते हैं कि AI आर्टिस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये बात उतनी सच है जितना ये है कि फ्रीलांसर्स को पेमेंट टाइम पे मिल जाता है। तुम उसको 10 फायर के शॉट्स दो, 11वां वो खुद बना के दे देगा बिना रैम क्रैश के। और तुम क्या कर रहे हो भैया, वो कैश बराबर फोल्डर में गया है ना, कैश का फाइल नेम क्या था, फाइल कैश cache_bak_final_final.bgo.sc बराबर ना। ये हालत है हमारी, मतलब AI स्पीड से आगे निकल रहा है और हम इसी बात पे कंफ्यूज है कि पायरो की स्पेलिंग क्या है, PYRO या PIYR। लेट्स बी रियल, AI को फील करना नहीं आता, बट डेटा समझने में वो IIT टॉपर भी है। और बात तो ये है ही, वो 24 घंटे सीख भी रहा है। पर एक चीज़ है जो AI कभी नहीं कर पाएगा, वो है आपका फील और आपका इंस्टिंक्ट। AI को फर्क नहीं पड़ता कि ये जो सीन है वो इमोशनल है या नहीं है, उसको समझ ही नहीं आता कि कैमरा शेक से टेंशन कैसे बढ़ता है, उसको ये नहीं समझ में आता कि पॉज से इमोशन कैसे क्रिएट होता है। पर तुम्हें पता है और मुझे पता है, वो इंस्टिंक्ट, वो टाइमिंग, वो क्रिएटिविटी और वो मैडनेस, इसे एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। AI होगी कोई शक्ति, पर जान तो हम ही डालते हैं। AI सिर्फ एक टूल है और सोर्स हम हैं, और सोर्स कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। एक शॉट राइट लगता है, दूसरा एकदम रियल, ये डिफरेंस AI को कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वो हम समझते हैं, क्योंकि हम एक आर्टिस्ट हैं। टूल्स चेंज हो सकते हैं पर हमारे इंस्टिंक्ट्स नहीं, और जब तक वो है हमें कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। अब असली प्रॉब्लम, रोटोस्कोपी गॉन, कैमरा ट्रैकिंग ऑटोमेटेड, लाइट मैचिंग एक क्लिक में हो रहा है, ये सब तो ठीक है, बट जूनियर आर्टिस्ट का काम तो चाट गए ना भाई। स्टूडियोज तो AI के साथ हनीमून पर चले गए और हम लोग यहाँ से फाइल ही रीनेम कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू दिस स्ट्रेट, जो आर्टिस्ट अभी समझ के काम कर रहा है, किंग अभी भी वही है। क्योंकि जब सबके पास सेम टूल्स होंगे, फर्क सिर्फ आपका सोच और आपके दिमाग का होगा। क्योंकि जो लोग दिमाग ला के चलते हैं, अब उनकी डिमांड डबल होने वाली है। आजकल हर कोई हुडनी सीख रहा है और हर कोई सिखा भी रहा है, बट मैं आपको सिखाता हूँ हुडनी समझना, क्योंकि टूल्स बदलेंगे बट अंडरस्टैंडिंग वो अमर है। अगर तुम सीरियसली एक FX आर्टिस्ट बनना चाहते हो, नॉट फॉर द व्यूज, नॉट फॉर फ्लैशी एक्सप्लोजन्स या आप कुछ बना लिए एंड बस हो गया, बट फॉर एक्चुअल सर्वाइवल, इसलिए मैंने बनाया ये कोर्स जिसका नाम है डैम हुडनी। ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा हूँ, बट ये कोर्स तुम्हारा सर्वाइवल गाइड है। यहाँ तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुमको कूल लगता, यहाँ तुमको वही चीज मिलेगा जो एक्चुअल में रियल में यूज होता है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि पार्टिकल्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, पायरो का जो मोशन है उसको नेचुरली कैसे लाया जाता है, और डिस्ट्रक्शन सिनेमैटिक इम्पैक्टफुल कैसे किया जाता है। सब कुछ जीरो से, एकदम सिंपल लैंग्वेज, और वही चीज़ हम सीखेंगे जो आप इंडस्ट्री में यूज़ करोगे। कोई ज्ञान नहीं, कोई 50 घंटे की बकचोदी नहीं, सिर्फ पावर पैक ज्ञान। और हाँ, AI तो आ ही रहा है, बट अगर तुमको अपना काम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो प्लीज़ आज से प्रैक्टिस शुरू कीजिए। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए, या तो उस नंबर पर मुझे DM कीजिए। देखो, ना ही मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही मैं एक AI इंजीनियर हूँ, मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ जो आपकी तरह है। जितनी भी सारी चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो आप और हमारे लिए कि हम सीखें, हम आगे बढ़ें। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, या तो आप इवॉल्व हो या तो आप एलिमिनेट हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक एंड नहीं है, ये एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग है। आर्टिस्ट जो अडेप्ट करेगा, AI को समझेगा और यूज़ करेगा, वो ऑटोमेटिकली 10x हो जाएगा, और बाकी लोग वो रिप्लेस हो जाएंगे। और यही कड़वा सच है, मैं आपको डराने के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं आपको एक नज़रिया दे रहा हूँ। क्योंकि दिस इज़ नॉट अबाउट फाइटिंग AI,
दिस इज अबाउट बिकमिंग सो पावरफुल कि स्टूडियोज को भी आपकी जरूरत पड़े। एआई से दोस्ती भी करो और उसको डंडे से भी मारो। आर्टिस्ट बनना है तो टूल्स के ऊपर का भी बॉस बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कोई एंड नहीं है, ये आपका एक अपग्रेड का पॉइंट है। क्योंकि आर्टिस्ट जो इवॉल्व करेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो डोमिनेट करेगा। तो अब तुम बताओ कि एआई आपका दुश्मन है या तो फिर एक हेल्पिंग हैंड। क्योंकि बस समझ लो कि आपका हुनर ऑटोमेट नहीं हो सकता। एंड ये चीज़ मैंने कहीं सुनी थी कि एआई उन लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा जो एआई यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को रिप्लेस करेगा जिनको कुछ नहीं पता इस बारे में। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके थॉट्स क्या है इस बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि हर बार की तरह मैं जो बोलता हूँ कि सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।